कि घर के अंदर जिहड़ियां असीं तस्वीरां लाने आ शरीयत दे बारे की आंदी। तुसीं अक्सर वेख्या होना किसी गौस पाक की तस्वीर लाई होंदी है दुकान विच, घर विच किसी बाबे फरीद की लाई होंदी है, किसी पीर की लाई होंदी है। वह ख्याली तस्वीर है ना, सही तस्वीर तो नहीं। अगर सही भी होवे उहदा भी मसला सुन लो, ख्याली होवे उहदा भी मसला सुन लो। आला हज़रत ने फतावा रिजविया के अंदर इस मसले को बयान किया है। पहले नंबर पर नबी पाक की हदीस का मफहूम समात फरमाओ, फिर गल अगे टोरने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान अलीशान, नबी पाक ने फरमाया जिदे घर में दो चीज़ा होंदिया ने उत्थे रहमत का फरिश्ता नहीं होंदा। रहमत का फरिश्ता बोलो, रहमत का फरिश्ता नहीं होंदा जिदे घर दो चीज़ा। सहाबा ने अर्ज की, हजूर दो चीज़ा केड़िया ने? फरमाया पहले नंबर पर जिदे घर कुत्ता होवे, की होवे? कुत्ता होवे। कई एवं भी रखे होंगे ना, बस पालन वास्ते जी शौक वास्ते रखे होंगे ने वह कुत्ता। जिदे घर कुत्ता होवे या कुत्ते दा छोटा बलूंगड़ा होवे, बच्चा होवे, उहदे घर रहमत दा फरिश्ता, बोलो रहमत दा फरिश्ता नहीं आएगा, ये नबी पाक ने फरमाया। दूसरे नंबर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी करीम ने कि जिदे घर तस्वीर लगी होवे उत्थे भी रहमत दा फरिश्ता। असी इस मसले नूं बड़ा लाइट लिया, असी क्या ठीक है यार, तुसी जिदे घर चले जाओ ना कोई तस्वीर उन्हें बैठक च अपने विआह की लाई होएगी या किसी पीर की लाई होएगी। आला हज़रत की मैं गल पै करना, चलो दूसरे मसलकों की तो असी गल नहीं करते, पहले अपने मसलक की गल कर लीए। तस्वीर जिस घर होगी, कुत्ता होवे या कुत्ते का बच्चा होवे, उस घर रहमत का फरिश्ता कभी नहीं आ सकता। तो जिस घर रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा उतो अल्लाह की करम नवाजी किवें होएगी? उत्थे लड़ाइया रहनियां, उत्थे झगड़े रहने ने, उत्थे फसाद रहना। उलामा फरमाते ने, आला हज़रत फरमाते ने कि एक आम तस्वीर है ना, मसलन मैं अपनी खिंचवा के ला छड़ना या कोई ला छड़दा, बजुर्गों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर, ऐ मैं हदीस पर पढ़ता जे, आला हज़रत ने फरमाया पीर की तस्वीर तजीम वास्ते अजमत वास्ते अपने घर में लाना नजायज़ है। की है? नाजायज़ है। जिस मर्जी मौलवी को टुर जाओ, जिस मर्जी मुफ्ती को टुर जाओ, आलिम को चले जाओ, गल इतों अगे नहीं हो सकती। अपने पीर की तस्वीर लाना, गौस पाक की तस्वीर लाना या किसी भी पीर की तस्वीर लाना तजीम वास्ते, कि असी वेखो ना बंदा दीवार से तस्वीर लाता किस वास्ते, कि तजीम की जाए, ये तो मिट्टी ना पवे, लोग फ्रेम ला के लाते हैं। मैं अगली भी हदीस पढ़ लगा, तजीम वास्ते कोई तस्वीर लानी आई है या डेकोरेशन वास्ते, मसलन अपन तस्वीर ला लैनिया घर में, विह शादी दा लैनिया, बच्चे की खिच के ला लैनी, डेकोरेशन वास्ते या तजीम वास्ते जड़िया तस्वीर दीवारा न लटकाइया जाने या छतियां रखी जाने, ये सब नाजायज़ है, ये गुनाह है, उस घर रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा। आला हज़रत ने फतावा रिजविया अंदर फरमाया, क्यों? ऐ हुण सुमले सुनो, जो मक्का फतह होया ना मक्का, तो नबी पाक मक्के विच आए फाते बन के, तो आपने फरमाया कि काबे का दरवाज़ा खोलो, तो काबे का दरवाज़ा खोलिया तो विच ना दो तस्वीर सन काबे के अंदर। एक तस्वीर हज़रत इब्राहिम अलैह सलाम की उन्हें बनाई सी, एक तस्वीर हज़रत इस्माइल अलैह सलाम की बनाई सी। इस तो वड्डी हस्ती तो कोई नहीं ना, सारे पीर वली गौस कुतुब हज़रत इब्राहिम के नाल तो नहीं मिले, वह नबी ने, वह रसूल ने अल्लाह दे। उन्होंने हज़रत इब्राहिम तो हज़रत इस्माइल अलैह सलाम की काबे में ना नक्शो निगार नाल ना तस्वीर बनाई मनसूब कीतियां, हो तो नहीं सी सकती उन्हां दी तस्वीर, उन्हें कि वेख्या सी, जिवें हुण गौस पाक नूं नहीं भी वेख्या तो जिहड़ी तस्वीर चलती पी उं जी अगों टुरदी पी जी, पता नहीं है भी है या नहीं है, वह तो बाद दी मसला है। वह हज़रत इब्राहिम तो हज़रत इस्माइल अलैह सलाम की तस्वीर बना के मनसूब की सी काफिरां ने, कि ए उन्हां दीआं तस्वीरां ने, तो तजीम करदे सन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी नूं हुक्म दिता, आपने फरमाया ए जिहड़ी तस्वीरां लगियां ने ना इन्हां नूं मिटा दिओ। की करो? की करो? किहदी तस्वीर सी? हज़रत इब्राहिम दी, मनसूब की गई किस दी तरफ? हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम, हालांकि नबियां दीआं तस्वीरां सन ना, की अरे सी, लेकिन हजूर ने फरमाया मिटा दिओ। तो लिखते ने कि वह जो नक्शो नगार मिटाए गए, थोड़े जे रह गए, तो नबी पाक ने आप ही कपड़ा लैके रगड़ रगड़ के उन्हें खत्म किया। ए जो बुत प्रस्ती शुरू हुई है ना, बुत प्रस्ती वजह यह बनी तस्वीर।
हज़रत नूह अलैहि सलाम जी तो दुनिया तो गए ने ना, तो वह लोगों ने आख्या भी यार अल्लाह का पैगंबर से बड़ा आला बंदा सी, बड़ा शान वाला बंदा सी। शैतान उन्हां कोल ना इंसानी शक्ल में आया, उन्हें कहा जी हज़रत नूह अलैहि सलाम की तुसी तरीफा करते हो, उन्होंने याद करते हो, मैं एक काम ना दसा। बुजुर्ग बन के आया ना उन्हां कोल शैतान, उन्हें कहा दसो। उन्हें कहा मैं तो उन्होंने हज़रत नूह की तस्वीर लिया देना, तो तुसी वो तस्वीर वेख के खुश हो जाया करो। ए वेखे हूँ किड्डा वड्डा वार कर लगा शैतान। उन्हें कहा बाबा जी लिया दो। उन्हें हज़रत नूह अलैहि सलाम की तस्वीर लिया दी। वो लोगों ने अपने घर जी ना तस्वीर ला छड़ी, तो लोगों ने उन्हें चूमना करना जिमें असी हूँ गोश पाक की तस्वीर लगी हो तो लोग हाथ ला के चूमते ने सीने लाते ना, ए जी गोश पाक की तस्वीर या साढ़े पीर की तस्वीर है। गल मैं पिछू शुरू की, वह लोगों ने उन्हें चूमना चूमना करना, वह प्यार करना करना कि अल्लाह के नबी हज़रत नूह की तस्वीर है। जो नस्ल खत्म हो गई, अगली नस्ल आई ना, तो तस्वीर तो मौजूद सी जी शैतान ने दी सी उन्होंने। वो शैतान ने अगों उन्हों की नस्ल में गल पाई भी तुहाड़े जेडे प्यो दादे सन वो तो इस तस्वीर में सजदा करते सन, वो तो इन चूमते सन, यदि तजीम करते सन, यदि इबादत करते सन। उन्हें कहा वाकई, उन्हें कहा वेखो मेरी दाढ़ी वेखो, मैं उन्होंने दौर में गुजरिया, मैं तुहानू कह रहा। उन्हें आख्या भी बाबा भी बजुर्ग है, दाढ़ी भी चिट्टी है, गल भी चंगी पे करता है, पता नहीं सी शैतान है। बाबा जी शैतान ऐसे ऐसे काम कर गया बंदे की सोच नहीं जा सकती, उत्थे ऐन जो उन्हें इंसानियत को गुमराह कर छड़िया है। एवं तो नहीं उन्हें कहा मेरा या अल्लाह तेरे ना मुकाबला है, मैं तेरे बंदे नु गुमराह कर। उन्हें उन्होंने अगली नस्ल में कहा भी तस्वीर चूमो, सजदे सुजदे करो, यह तो बड़ा बरगजीदा अल्लाह का नबी होया, तो ये सामने बह के सजदा करके जो मंगी है अल्लाह दे छड़दा। कितों शिरक शुरू होया? वो जी नवी नसल से उन्हें आख्या भाई बंदा ठीक कह रहा, उन्हें पूजा करनी शुरू कर छड़ी हज़रत नूह अलैहि सलाम की तस्वीर दी, सजदे करने शुरू कर छड़े। शैतान उत्थे राजी हो गया, उन्हें कहा मेरा मिशन पूरा हो गया, जो मैं चाहना सा ना वो गल जी पूरी हो गई। तजीमन आम बंदे की तस्वीर होवे ना, उहदी कोई तजीम नहीं करता, अगर पीर की लगी होवे पूरा कार करेगा। तो कई बंदे आते हैं भी पीर की तस्वीर में जाद्या चुम के जाइए तो कारोबार ज़्यादा वाधा है। वो फिर जी अगली नस्ल आती है ना, वो फिर ज़्यादा उस तरफ आती है। मतलब कि क्योंकि जो तो नबी की शरीयत सामने आ गई, हजूर की हदीस सामने आ गई कि हजूर ने फरमाया उहदे घर रहमत का फरिश्ता, हुण उहदे विच पीर की तस्वीर भी आ गई, उहदे विच आम मौलवी की तस्वीर भी आ गई, उहदे विच घर की तस्वीर भी आ गई कि घर विच तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अगर तस्वीर रखिया उन्होंने पेटी में रखो किसी बिस्तरिया के थले। क्यों? नबी पाक और उलामा फरमाते हैं जिस अंदर तस्वीर सामने लगी हो उत्थे नमाज भी नहीं आती। क्यों जाती है? क्यों नहीं आती जी? ए वेखो ना वजह वेखो कि किते वो तस्वीर सामने पई है, तुसी सजदा अल्लाह नूं पे करदे हो, थोड़ा जिहा तुहाडा शिरक की तरफ ध्यान भी ना जाए, गुमान भी ना जाए। ए तुसी हिंदुआ नूं वेंदे हो, हिंदुआ नूं जो उन्हों का कोई बंदा मरता तो वो सराहने तस्वीर रखते हैं वड्डी बना के, तो जो उन्होंने सार छड़ते हैं फिर वो तस्वीर अपने घर लटकाते हैं, तो त्यौहार भी पाते हैं उस तस्वीर से। पता वेख्या जे ना सारे ने टीविया ड्रामे में तुम वेख्या होना, वो उत्ते ना वो हार पा छड़ते हैं कि यह बंदा जरा ना हूँ दुनिया टुर गया, हूँ यदि तस्वीर जी ना साढ़े सामने में वो तजीम पे करते हैं। ये हिंदुआना रसम है, तस्वीर ला के उत्ते फुल चढ़ाने या उत्ते नजराने चढ़ाने या उत्ते तजीम करनी ये जायज़ नहीं। जे जे किसी गोश पाक की तस्वीर लाई है तो उन्होंने ला के संभाल लो, मेहरबानी अपने घर जी जहमत ना लैके आओ, बल्कि रहमत दे फरिश्ते होने चाहिए। की होना चाहिए? रहमत दे फरिश्ते होने चाहिए ने। यह मेरी गल नहीं, यह पूरी आले सुन्नत व जमात की गल मैं करना पे। किसी आले सुन्नत दे मौलवी नू, खतीब नू, आलिम नू पुछ लो, मुफ्ती नू पुछ लो कि घर तस्वीर लानी चाहिए कि नहीं। जो इस चीज़ की ताईद ना करे तो गल करे। जे मैं दो गल्लां तुहानू वड्डियां दस छड़िया ने, एक काबा शरीफ की दस छड़ी हज़रत इब्राहिम ते हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम की, दूसरी गल मैं नबी पाक की हदीस सुना छड़ी है वो कुत्ते दे बारे ते तस्वीर दे बारे। हुण कुछ बंदे कहणगे जी ए नोट ते भी ते तस्वीर हुंदी है ना, बंदे इतराज भी ते बड़े करदे ने, पैसों ते तस्वीर हुंदी है ते फिर वो जनाबे वाला वो ते जेब विच हुंदी फिर नमाज किवें हुंदी? मसलन पैसे जेब च ने, कायदे आजम की तस्वीर है, मसला समझो वे बाद चो नुकस नहीं कढ़ी दे, पहला ध्यान नाल मसला समझ लीजा कि मसला की हो रहा। अगर तस्वीर सामने लगी है, सामने पई है,
फिर सजदा नहीं होएगा। अगर उस तस्वीर नूं तुसी मुंदिया मार के उहदे कपड़ा पा छड़ो उत्थे तुसी नमाज पढ़ सकदे। समझ मसले दी आ रही है? तस्वीर सामने नज़र नहीं आनी चाहिए, सामने तस्वीर नज़र नहीं आनी चाहिए। एक मजबूरी, एक तजीम करना, अदब करना। अल्लाह दे नबी ने इन्हां चीज़ां नूं विचू कढ़ छड़िया सी साहबा इकराम विचू के शिरक दा ज़रा बराबर खौफ ही ना रवे कि अज जिहड़े तस्वीर नूं चुमदे पिन कल उहदे त्यार पाण लग पणगे। आ तुसीं ते नहीं जाणदे, आ पिंड दीआं बीबियां वेखो, ऐसियां बीबियां वी है जे जिहड़ियां गौस पाक दी तस्वीर दा तवाफ करदियां ने। आ पिंडां थावां विच जा के वेखो की हो रहा है। ऐ जी गौस पाक दी तस्वीर है ते गौस पाक नूं चुमदियां होणियां ने, वे तू औरत है तू गौस पाक नूं क्यों चुमनी पी? इस वास्ते तस्वीर तो मना किया गया सी कि लोग तजीमन इहदी तजीम करके शिरक दी तरफ ना चले जाण, आउण वालियां नस्लां तबाह बर्बाद ना हो जाण। इस वास्ते अपने घर अगर जिहड़ा तुसी बैठे हो अगर किसी दे घर लगी हुई है तो उहनूं ला के ते संभाल लवो, उन्हों सामने दीवार ते ना लटकाओ ते ना उन्हों छत्ती ते रखो ते ना उहदी तजीम करो। इस वास्ते क्योंकि ये शरीयत दा मसला है, ये हजूर दे इस्लाम और पैगाम जिहड़ा पूरी दुनिया ते जा रहा है। अल्लाह सानू सारयां नू इस चीज़ ते अमल दी तौफीक अता फरमाए।